हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो कार्बोहाइड्रेट्स शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइड स्प्रेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन नेचर। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे नेचर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारे नेचर में पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबों का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दे आर फॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तब उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये बनती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सर्व्स एज एनर्जी सोर्सेज। ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी सोर्सेज की तरह सर्व करते हैं। हमारी बॉडी में कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी किसी भी प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़े तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑर्गेनिजम्स में। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर का जो है उनका पार्ट भी है, विच कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन ऑल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबों का ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट्स से बनती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। दे सर्व्स एज एनर्जी सोर्स। हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेसेस में कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़े तो कौन करता है पूरी? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड दे आर ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जो स्ट्रक्चर होता है उसके पार्ट जो है उसका ही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इम्पोर्टेंट क्यों है? कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों है? दे एनर्जी स्टोर्स ऑफ मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। मैक्सिमम एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सेकेंड, दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी सोर्स का इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का। कभी भी हमें इमीडिएट, कभी भी हमें जल्दी कोई एनर्जी, जैसे हमें कहीं फेंट हो जाए तो उस समय हमें एनर्जी चाहिए, या फिर कभी हमने खाना नहीं खाया है, हमारी बॉडी को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, बट उस समय हमने खाना नहीं खाया है सो हम भूखे हैं या हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उस समय ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में स्टोर हुए होते हैं, और उस समय ये हमारी बॉडी में एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी काम करते हैं। दे मेक अप मोस्ट अबाउट 60-80% ऑफ ड्राई मास ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का जो 60-80% ड्राई मास होता है वो किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। दे आर यूज एज स्टोर्ड एनर्जी। ये एज ए स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में भी काम करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया प्लांट्स में एंड ग्लाइकोजन एंड एनिमल्स। आपको ये MCQs में पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दे एक्ट एज ए फ्यूल टू फिजिकल बॉडी पार्ट्स ऑन डेली बेसिस। ये एज ए फ्यूल भी एक्ट करता है। फ्यूल किसके लिए यूज होता है? एनर्जी के लिए। तो ये एक्ट एज एनर्जी टू फिजिकल बॉडी पार्ट्स ऑन डेली बेसिस। देन सेल्यूलोज, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म एक सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है तो उसमें जो सेल्यूलोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, एंड इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो आप ऐसे कह सकते हो प्लांट्स की जो सेल वॉल है उसको बनाने में, या उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट उसका पार्ट है। दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में कौन मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। एंड प्रिवेंट किटोसिस, किटोसिस को बनने से बचाता है। दे आल्सो एक्ट एज फ्लेवर एंड स्वीटनेस। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये एज ए फ्लेवर और स्वीटनेस भी एक्ट करता है। सो ये थे हमारे पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट्स की इम्पोर्टेंस या कार्बोहाइड्रेट्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है।
अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।